तो ये जाएगा टारगेट वीक 9 में, ठीक है, 90 वीक का टारगेट आपका होगा। पिछले में मैंने आप लोगों को तीनों एनसीईआरटी बता दी थी, मॉडर्न इंडिया की तीनों एनसीईआरटी हो गई, प्राचीन भारत मैंने देखो करा दी। अब जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि ऑफलाइन में तो मुझे अभी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर फॉलो भी कर रहे हैं। तो क्या है कि मेरा विचार है, अब देखो कितना काफ़ी कुछ हो गया, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक मैंने तो ऐसे ही काम करा दिया आपका, ठीक है। अब घटना चक्र से पढ़ोगे तो वो चीज़ रिवाइज भी हो जाएगी आपकी, है ना। तो अब इस वीक में अब आपको मैं ज्योग्राफी के साथ ले चलता हूँ। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड ही पढ़नी है हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में भी ओल्ड पढ़नी है, बिल्कुल पतली सी एनसीईआरटी है और इसमें बहुत कुछ है। इसमें आप देखेंगे तो भारत का भी है और भारत के अन्य जितने भी, जैसे कि इसमें सौर मंडल है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। आठवें इसमें तीन भाग हैं इसके, तो ये क्लास सिक्स की है, देश और उसके निवासी पार्ट वन क्लास सिक्स में चलती है। अब तो नहीं चलती, अब तो ये ओल्ड हो गई, लेकिन इसका कंटेंट अच्छा है। अदर जो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, उनका कंटेंट उतना अच्छा नहीं है। तो ज्योग्राफी में आपको ये एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है नहीं इसमें ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगी। 126 पेज है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। यदि इसको ही बेसिक में कर लिया ना, तो आगे वाली वाली किताबों में कुछ नहीं है, सिर्फ यही बातों का रिपीटेशन है। अब सौर मंडल क्या दूसरी किताबों में एडवांस में कुछ और मिल जाएगा क्या? सौर मंडल भी सेम मिलना है, सब कुछ सेम मिलना है, ठीक है। सेम डेटा मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप के जो जानकारियाँ होंगी, जो इसमें होंगी, वो आपको आगे मिलेंगे। तो ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस भी है, ये भी मान के चलो। तो ये एनसीईआरटी आपको अच्छे से कर लेनी है, पूरी कंप्लीट करनी है अभी से, ठीक है। तो ये काम मैं आप लोगों को एक सौंप रहा हूँ। दूसरा काम मैं अब आप लोगों को घटना चक्र, चूँकि हमारा ये भी चल रहा है, तो घटना चक्र में, इतिहास की घटना चक्र में पिछली बार में मैंने आपको क्या बताया था, प्राचीन भारत। अब आप लोग मध्यकालीन भारत करेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, ये थोड़ा सा टॉपिक इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें दिल्ली सल्तनत का अलग हो जाता है, मुगल का अलग हो जाता है। बहुत सारी किताबें तो दो वॉल्यूम में भी आती हैं। मेडिवल इंडिया आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मेरा मानना है कि बहुत पूछे जाते हैं। इस बार का यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, है ना, रोल है हर चीज़ का, हर चीज़ का लिंकिंग है, है ना। आपको यदि कुछ भी देखो, एक चीज़ समझो, मैं एक चीज़ बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, यदि आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट को कम पढ़ना चाहिए या ज़्यादा पढ़ना चाहिए, शरीर से समझ लो। यदि शरीर में कोई भी अंग डिस्टर्ब होगा ना, तो आप जो है बेकार ही हो। हर अंग बेहतरीन काम करना चाहिए। वैसे ही ज्ञान में भी होता है कि ज्ञान में आपको संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, पूरा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, तब तो ठीक हो। आप चाह रहे हो आधुनिक आधुनिक पढ़ लें, प्राचीन छोड़ दें, इसको छोड़ दें, मध्यकालीन छोड़ दें, ऐसे नहीं बनता है। आपको सब पढ़ना पड़ेगा, और जब आप सब पढ़ेंगे तब आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे और आपके नॉलेज पे एक ब्रॉड, बड़े स्तर की एक समझ विकसित हो पाएगी। नहीं तो आप इसका भुगतान करेंगे आने वाले समय में, फिर आपको पता चलेगा कि आपने किस चीज़ों को छोड़ दिया। ये आपका 190 पेज से लेकर के काफ़ी लंबा है, तो ये जाएगा 329 पेज तक जाएगा, तो ज़्यादा नहीं, ये पतली सी है। मेडिवल पूरी कंप्लीट करनी है इस बार में। मेडिवल आपका 190 से लेकर 329 पेज तक है, ज़्यादा नहीं है वैसे, 139 पेज ही है, आसानी से आप कर लोगे। बहुत अच्छे से इसको करिए, ठीक है। इसमें डेटा जितना भी है उस डेटा को आपको कर लेना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ, चलो समझदार हैं, सबसे बड़ी बात तो ये, यस कहने में सबसे आसान काम है। तो इसको कर रहे होंगे तो बेनिफिट मिलेगा। जो अभी से जुड़े हुए हैं, जो जिनको अभी, मैंने अभी से इतने से ही चालू कर देना है, इसी से ही कंटिन्यू कर देना, इसी वीक से, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलो ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। अगले फिर टारगेट वीक में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट में।